हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो दिस व्लॉग गोइंग टू बी सॉरी व्लॉग नहीं है, ये वीडियो है। सो दिस वीडियो गोइंग टू बी आर, जिसके अंदर मैं शेयर करूंगा अपने आने वाले 5 मंथ की स्ट्रेटजी फॉर माय बोर्ड एग्जाम। ऑल्सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि मैं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूँ एंड किस सब्जेक्ट को मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं सिलेबस कब तक कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। एंड प्री बोर्ड से रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड। एंड ये वीडियो टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड है भाई। इस वीडियो में मैंने किसी भी बुक का कोई भी प्रमोशन नहीं कराए। ये वीडियो स्पेशली मैंने लाइक जानबूझ के कोई भी प्रमोशन नहीं डाला इसमें, वरना फिर कुछ लोग समझते कि रियल नहीं है ये, प्रमोशन के लिए बुक्स का बोल रहा है। सो जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं बताने वाला हूँ, कोई फेक या फिर कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। सो टीचर्स, मैं किससे पढ़ता हूँ या फिर मैं कौन से बैच से पढ़ता हूँ और यूट्यूब से जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ जैसे कि फिजिक्स हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, सो मैं वो कौन से टीचर से पढ़ता हूँ उसके लिए भाई मैंने ना अलग से वीडियो बना रखी है। इससे पहले एक मैंने वीडियो डाली थी टीचर्स कॉम्बिनेशन की, सो आप उस पर जाकर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। सो आपको मेरा टीचर्स बैच का पता चल जाएगा। सो अभी शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइस, सो जुलाई मोस्टली अपना जा चुका है, लाइक लगभग आधा जा चुका है। 20th of July है यानी सैटरडे, कल मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा यानी संडे को। 10-11 दिन ही रहते हैं जुलाई के। एंड सिलेबस कंप्लीट करने की भाई मैंने सोची है अक्टूबर के एंड तक और नवंबर से पहले, तो उस टाइम बहुत कम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जुलाई के यही 10-11 दिन, और सिलेबस 80% रहता है बिकॉज सभी चैप्टर में लाइक दो तीन चैप्टर्स ही हुए हैं और बाकी का सारा पड़ा है। और सो मैंने सिलेबस का तो यही सोचा है। एंड रही बात प्रैक्टिकल्स की, सो प्रैक्टिकल का ये है कि अभी हमारे स्कूल में करवाया गया है भाई केवल केमिस्ट्री के दो ही प्रैक्टिकल करवाए हैं, और प्रैक्टिकल हम सबको पता है क्या क्या करना है प्रैक्टिकल वर्क में। तो मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल फाइल ले आऊँ सभी सब्जेक्ट की और अभी से करना शुरू कर दूँ, वरना बाद में ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगी चीज़ें। उस टाइम पे सैम्पल पेपर भी करने होंगे, सिलेबस रिवीजन के भी टाइम, तो उस टाइम ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ अभी प्रैक्टिकल ले आऊँ और अपना सारा काम शुरू कर दूँ। एंड मेरे पास सब्जेक्ट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, और एक और है विच इज़ हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक, इन शॉर्ट हम म्यूजिक बोल सकते हैं। सो देखो जो पहले 5 बताए उनका तो मैं अभी सिलेबस करूँगा, बट रही बात म्यूजिक की, तो म्यूजिक के ना मेरे पास सिलेबस है कि क्या है, ना उसका मेरे पास नोट्स वगैरह है। सो वो मुझे स्कूल की तरफ से मिलते हैं, या तो वो लोग दिसंबर में देंगे या फिर वो जैन में देंगे, बोर्ड एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले दे देते हैं। सो उनका तो लाइक मैं रट्टा ही मारता हूँ बिकॉज वो चीज़ समझ नहीं आती है मुझे। उसमें 30 मार्क्स का थ्योरी रहता है जिसमें हमें लिखना रहता है, और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में गाने वगैरह नहीं सुनते, काफ़ी लोगों को मिथ है। कमेंट्स आते हैं जब मैंने 10th में लाइक व्लॉग बनाए थे ना कि मेरा म्यूजिक का पेपर, तो उसमें कमेंट आते थे कि प्रैक्टिकल में म्यूजिक आपसे गाना वगैरह सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हम प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं वो तार वगैरह जो हिस्ट्री बोलते हैं वो सब सुनते हैं हमसे। सो प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है म्यूजिक में। सो या सब्जेक्ट्स का मेरा ये है, एंड सिलेबस मैंने अपने अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट करने का सोचा है अभी तो। ओके गाइस, सो अब शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज की, मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या है, मैं कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। सो शुरुआत करते हैं 1 and only बायोलॉजी, या मेडिकल स्टूडेंट हो बायो से शुरुआत करते हैं। सो बायो के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी आती है, दोनों में मैं वही चीज़ें करता हूँ। सो एनसीईआरटी रीडिंग में किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़ता हूँ, यानी हर एक चीज़ टैब पर लिख रखी है आप लोगों से, जैसे मैं भूल ना जाऊँ कोई भी बात। एंड नोट्स जो है वो मैं डिटेल बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स मुझे बायो के बनाना पसंद नहीं है। कभी कभार ओसवाल के फ्लैश कार्ड्स हैं मेरे पास, मैं उनमें से रिवाइज कर लेता हूँ। मैं बायो के शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए पसंद नहीं करता बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास भाई एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी ज़्यादा मात्रा को छोटे वे में ही बता रखा है एनसीईआरटी में, और डिटेल नोट्स के लिए नोट्स हो गए। काफ़ी सारे बोलते हो कि बायो के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है डिटेल भी, बिकॉज एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो। तो देखो फॉर मी आई थिंक जरूरी है बायो के नोट्स बनाना, 12th में तो जरूरी है बिकॉज बोर्ड्स हैं एंड सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होगी, अपनी ही इसमें फायदा है। एंड रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सो मॉड्यूल से मैं नहीं लगा रहा हूँ क्वेश्चन, स्टार्टिंग में लगाए थे, अभी मोस्टली मैं कर रहा हूँ अपने पीवाई क्यू लगाता हूँ जो मेरे पास पीडब्ल्यू की बुक है 37 ईयर वाली। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करता हूँ एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक से और ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से, जो कि रहते हैं वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गया, फिर जो टॉपर आंसर है। सो मैं उसके लिए एडुकार्ट और ओसवाल का क्वेश्चन बैंक फॉलो करता हूँ। तो बायो को मैं इस टाइप से पढ़ता हूँ और ये बुक्स यूज़ करता हूँ। टॉक अबाउट फिजिक्स जी, सो उसके बारे में देखो भाई, मैं एनसीईआरटी रीडिंग नहीं पढ़ता हूँ। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे ना, लाइक पहला चैप्टर जो था, चैप्टर्स क्या, जो पहला चैप्टर था उसकी मैंने एनसीईआरटी रीडिंग ली थी कुछ की, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग मैं नहीं लेता हूँ सभी चैप्टर की। रही बात एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, बैक एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, पीवाईक्यू बहुत रेयरली मैं कर रहा हूँ, पहले 2 चैप्टर के करे थे उसके बाद नहीं कर रहा हूँ, कभी कभार मन कर गया तो। एंड रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से और एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक से। सो इसमें मैं डिटेल नोट्स भी बना रहा हूँ और शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ। एज यू ऑल नो कि मेरी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है, सो इसमें मुझसे भाई पी वाई क्यू कहाँ ही होंगे। सो एनसीईआरटी के कर लूँ एंड अलग से सब्जेक्टिव कर लूँ, वही बहुत है मेरे लिए। सो इसलिए मैं पी वाई क्यू कभी कभार ही करता हूँ। वैसे तो बुक्स मेरे पास फिजिक्स की काफ़ी सारी हैं, बट वही है ना, करे कौन उनको, दैट्स व्हाई मैंने फिजिक्स की ज़्यादा बुक ले रखी है कि हाँ करूँगा करूँगा, बट नहीं हो पाता, वही सो कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन। एंड
सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है इसकी, बट वो भी मैं कभी कभार ही करता हूँ। मोस्टली तो मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता हूँ, एंड शॉर्ट नोट्स में मैं जो मेरे फॉर्मूला के अलग से लाइक अलग नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स में मैं फॉर्मूला ऐड कर लेता हूँ। सो जब डेली बेसिस पर मैं रिवाइज करने होता हूँ तो मैं शॉर्ट नोट्स करता हूँ या फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज की या फिर एग्जाम्पल्स की। सो अब बात करते हैं भाई केमिस्ट्री की। सो देखो केमिस्ट्री जो है ना मेरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन से यानी 11th के कंपैरिजन से फिजिकल केमिस्ट्री मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है मेरे हिसाब से एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के कारण। सो आप लोग भी कर सकते हो। सो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग ली है तीनों चैप्टर्स की, इंडेक्स क्वेश्चन करे हैं, एग्जाम्पल्स भी करे हैं, बैक एक्सरसाइज भी करी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करी है। इसमें मैं डिटेल नोट्स भी बनाई हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाई हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर वही फॉर्मूला ऐड कर लिए, और साथ में मैं इसमें पीवाईक्यू भी करता हूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करता हूं, बुक्स मैंने बता दिया था कौन कौन सी से। सो यार अगली आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में भी मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहा था बिकॉज नया नया सब्जेक्ट है। सो आप में से जिसकी स्ट्रॉन्ग हो या आप लोग मुझे बताना कि मुझे इसमें शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सो ऑर्गेनिक में अभी तक मैंने लाइक एक ही चैप्टर हुआ है, सो उसमें मैंने लाइक डिटेल नोट्स बनाए हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने नहीं लगाएं, बट या इन फ्यूचर आई विल। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करे हैं, इंडेक्स क्वेश्चन भी लगाए हैं, बैक एक्सरसाइज भी करी है और एनसीईआरटी की रीडिंग भी ली है। डिटेल नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, लाइक डिटेल नोट्स इतने डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, ऊपर ऊपर से ही बनाए हैं बिकॉज इसकी मैंने सुना है कि एनसीईआरटी रीडिंग ज़्यादा लेनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट्स वाई मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाई है। सो मुझे बताना कि डिटेल में बनाने चाहिए या फिर लाइक केवल शॉर्ट नोट्स बनाऊँ या फिर डिटेल नोट्स बनाऊँ या दोनों ही अच्छे से बनाऊँ, और एनसीईआरटी रीडिंग तो मैं ले ही रहा हूँ इसकी। अगर बात करूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो देखो यार वो अभी तक शुरू हुई नहीं है, सो जैसे ही मैं शुरू करता हूँ अभी लाइक ऑर्गेनिक कंप्लीट होने के बाद में भी मैं शुरू करूँगा, और देखते हैं जैसे भी मैं शुरू करूँगा सो वो आपको मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स में पता चल जाएगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अब बात करते हैं इंग्लिश की, जिसके अंदर फ्लैमिंगो एंड विस्तास दोनों आती है। ग्रामर अभी तक मैंने टच नहीं करी है, जितनी भी आते हैं थोड़ा मोड़ा पोर्शन। सो इंग्लिश फ्लैमिंगो और विस्तास में मैं क्या करता हूँ, लेक्चर देखता हूँ, रीडिंग लेता हूँ, शॉर्ट नोट्स भी बनाता हूँ, और एक ऐप है उससे मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। पहले लाइक मैं इसके लाइक पूरी चीज़ें लिख रहा था, समरी थीम एंड ऑल, बट अब मैंने सोचा शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ एंड निपटाता हूँ चैप्टर को। इसके लिए अलग से मैंने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा अभी किसी भी पब्लिकेशन का, मे बी मैं पीडब्ल्यू का जो आएगा क्वेश्चन बैंक वो यूज़ में करूँगा। रही बात फिजिकल एजुकेशन की, सो देखो मेरी दी ने मना कर दिया फिजिकल एजुकेशन के, वैसे मैं नोट्स बना रहा था पहले चैप्टर के, मैंने नोट्स बनाए भी थे, बट मेरी दी बोली इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, अपने लेक्चर देखो और जितनी हो सके ना जो बुक है तुम्हारे पास उसकी रीडिंग लो। एंड इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई अलग से बुक नहीं ले रखी है, जो मेरे पास बुक है उसी की थ्योरी के, लाइक थ्योरी खत्म होने के बाद बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप के हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन लाइक केस बेस्ड स्टडी हो गए, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट शॉर्ट हर टाइप के, तो उसी बुक में से लाइक मैं रीडिंग भी लेता हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता हूँ। सो यही सब्जेक्ट है। एंड म्यूजिक का तो क्या ही बताऊँ, उसका लाइक मुझे खुद यार चीज़ें सही से समझ नहीं आती है, मैं खुद रट्टा मारता हूँ अगर मैं सच्ची बताऊँ तो, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट है, एंड मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दी है लाइक सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कौन से बुक वगैरह से, एंड कैसे मैं हर लाइक सब्जेक्ट को वे टू वे कंप्लीट कर रहा हूँ। सो गाइस मैंने बोला कि मैंने लाइक अक्टूबर के एंड तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सो मैंने हर मंथ का अपना प्लान नहीं बना रखा है कि मुझे इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है, बट हाँ जुलाई का मैंने बना रखा है कि जुलाई के एंड तक मेरा किस सब्जेक्ट में कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और मुझे लाइक कौन कौन से चैप्टर अपने कंप्लीट करने हैं। सो लाइक अभी जुलाई का मेरा चल ही रहा है, सो जुलाई के एंड तक जहाँ तक लाइक मैंने अपना टारगेट बना रखा है उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सो वो आपको मेरे ब्लॉग्स में पता चल जाएंगे कि मेरा मंथली टारगेट क्या है, कि मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं किस सब्जेक्ट में। ऑल्सो मेरे मिड टर्म एग्जाम भी होंगे, एंड जो लोग नए उन्हें नहीं पता होगा आई एम नॉन अटेंडिंग, मैंने डमी का एडमिशन ले रखा है स्कूल से, डमी से। सो स्कूल में मेरे एग्जाम्स नहीं होते मिड टर्म वगैरह, उसके लिए मैंने लोकल कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लाइक प्रिपरेशन होती रहे मेरी, सब्जेक्टिव पेपर होते रहते हैं। अभी पी ए वन खत्म हुए हैं, अभी मिड टर्म आएंगे, मिड टर्म में लगभग हाफ सिलेबस तो आता ही होगा, सो उसके लिए भी मुझे जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। एंड जो प्री बोर्ड्स हैं वो मैं अपने लाइक स्कूल में ही दूंगा, जहाँ से मैंने डमी में अपना एडमिशन करवा रखा है वहीं से दूंगा प्री बोर्ड तो, बट मिड टर्म के लिए भी मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी बिकॉज जल्दी ही कंप्लीट करना होगा। मे बी वो लोग अक्टूबर में ही लेते होंगे मिड टर्म या फिर सितंबर में लेते होंगे, सो उस टाइम तक तो कोशिश रहेगी कि मेरा हाफ सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाए। बट हाँ अभी तक मैंने सारे मंथ का प्लान नहीं बनाया कि मुझे किस मंथ में कितना करना है, जुलाई का बना रखा है, जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो मैं उस अकॉर्डिंग बना लेता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेक श्योर टू टेल इन कमेंट सेक्शन, अगर चैनल पर नए हो सो सब्सक्राइब कर देना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड स्टफ डालता रहता हूँ तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, सेकंड चैनल है उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच, बाय।